दीदी आप बैठो मत, लेट जाओ, मैं आपको मलम लगा देती हूँ। दादी ये कीजिए। अरे 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 ऐसे भाग के आते हैं इस हालत में? हाँ बेटा, ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल भी तेज नहीं चलना चाहिए। दादी की चिंता थी ना, तो अपना ख्याल ही नहीं आया। दर्द से ज्यादा मुझे इस बात की परेशानी हो रही है कि प्रज्ञा से तेल गिरा कैसे। हाँ दीदी, प्रज्ञा से ऐसी लापरवाही होती नहीं। मेरा मतलब है, तेल गिर गया था तो नौकरों से साफ करवा देती, नहीं तो कम से कम हम में से आके किसी को कहती, तो हम में से कोई वहां जाता तो नहीं ना। प्रज्ञा दी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो तेल उन्होंने गिराया ही नहीं। तो फिर किसने गिराया? तनु ने। तनु? तुझे कैसे पता है ये? क्योंकि घर में कोई है जिसने उसे तेल गिराते हुए देखा है। किसने? किसने देखा बेटा? मिताली भाभी। मिताली, अगर तनु को ये बात पता लग गई ना कि ये आग तेरी लगाई हुई है, तो वो तुझे पानी में डुबो डुबो के मारेगी, समझी तू? मिताली इधर। हाँ दादी। रचना जो कह रही है सच है? हाँ दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तनु के हाथ में पूजा की थाली थी, तो वो थाली गिर गई उसके हाथ से, तो उसमें जो दिया रखा था ना उसका तेल, मेरे कहने का मतलब है कि तनु ने ना जानबूझकर नहीं गिराया तेल, गिर गया उससे। तो तूने उस वक्त क्यों नहीं बताई ये बात? कैसे बताती मैं? वो आपने देखा नहीं कि प्रज्ञा कैसे तनु की साइड ले रही थी? मैं उस समय कुछ बोल देती तो मुझे डांट पड़ती। हद हो गई। प्रज्ञा ने ऐसा क्यों किया? तनु की गलती अपने सिर पर क्यों ली? मुझे क्या? मिताली तू जा, तेरी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। जब काम होता है तो कैसे बुलाते हैं कि मिताली आ जा तुझसे काम है, लेकिन जब काम खत्म तो कह देते मिताली तू जा यहाँ से। लेकिन गॉड जी, मुझे सुनना था कि ये लोग तनु के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मिताली तू गई? जा रही हूँ। इंदु कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है, लेकिन हम इस गड़बड़ का पता लगा लेंगे। प्रज्ञा तनु को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तनु पे नजर रखनी चाहिए। दिस इज नॉट गुड। इन दादियों को शक हो गया है। अब इससे पहले कि इन्हें प्रज्ञा की प्लान के बारे में पता चल जाए, ये प्लान पूरा हो जाना चाहिए। प्रज्ञा को इस घर से चले जाना चाहिए। लगता है फाइनल स्टेप उठाने का टाइम आ गया। हेलो, मैंने जो तुम्हें नकली प्रॉपर्टी पेपर्स बनाने के लिए कहा था, वो पेपर्स प्रज्ञा मेहरा के नाम से बना दिए। नहीं रुको, प्रज्ञा मेहरा नहीं, प्रज्ञा अरोड़ा के नाम से बना दिए। और जैसे पेपर्स रेडी हो जाए मुझे फोन कर। ओके, थैंक यू। अब बस प्रज्ञा को इंदुदासी पे चोरी का इल्जाम लगाना है। एक बार इल्जाम लग गया फिर पूरा गेम मेरे हाथ में होगा। आज रात कोई लिमिट हमें एक होने से नहीं रोक सकती। आज की रात मैं तुम्हें ड्रिंक कराकर हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। पूरब की मीटिंग खत्म हो गई होगी, एक काम करती हूँ फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। लगता है अभी भी मीटिंग में, थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ।
आलिया सॉरी, मैं फ्लाइट में हूँ, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। हैव अ नाइस टाइम विद योर फ्रेंड्स, सी यू सून। नहीं पूरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगिव यू फॉर दिस, नेवर। मैं इंदु दादी पर चोरी का इल्जाम कैसे लगाऊं? जब उन्होंने आज तक कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं उन्हें सबके सामने चोर कैसे कहूंगी? हेलो मैम। ये कौन है? हाँ, ये लखानी साहब, बैठिए जी। थैंक यू। तो वही प्रोड्यूसर है जिसके लिए मैंने एल्बम का प्रमोशन किया था। मिस्टर अभी की एल्बम का ये फर्स्ट कलेक्शन अमाउंट था, सो मैं आपको देने चला आया। एंड दिस इज 1 करोड़ रुपीज। और हाँ, सबसे खुशी की बात ये है कि मिस्टर अभी की एल्बम सुपर हिट हो चुकी है। इट्स अ ब्लॉकबस्टर। और ये 1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। अभी तो ऐसी बहुत सारी कलेक्शंस आनी बाकी है, पैसों की तो बारिश होने वाली है। आप बस इसे संभाल कर रखिए। इनफैक्ट टुडे आई हैव अ वेरी अर्जेंट मीटिंग विद वेरी बिग म्यूजिक कंपनी, सो कैन आई टेक योर लीव? अरे चाय पानी तो पीते जाइए। नो, थैंक यू, चलता हूँ। इंदु, कुछ सोचा तुमने? कैसे पता लगाई? दीदी, कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि चक्कर क्या है। मैं एक काम करती हूँ, चाय बना के ले आती हूँ, चाय पियेंगे तो शायद कुछ दिमाग चलेगा मेरा। चाय तो बाद में बनाना, पहले ये पैसे प्रज्ञा को दे के आ और उसको बोलना ये अभी के पैसे हैं, संभाल के रखे। ठीक है। चाय प्रज्ञा, है ये लड़की प्रज्ञा, ये कहाँ चली गई प्रज्ञा? प्रज्ञा कहाँ ढूंढू इसे? इस बैग को लेके उसे ढूंढती रही तो थक जाऊंगी। एक काम करती हूँ, इसे दीदी के कमरे में रख देती हूँ, प्रज्ञा मिलेगी तो उसे बता दू। रखूं इसे? किसी ऐसी जगह रखूं जहां किसी की नजर ना पड़े। अलमारी में रखूं, बाद में प्रज्ञा को बता दूंगी। इसमें तारीख था। मुझे माफ कर दीजिएगा दादी, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ओके, तो मुझे पूरे कमरे की सेटिंग चेंज चाहिए। तो सबसे पहले ये बुक्स यहाँ से हटाओ, ओके? और ये बेड इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके वहां पे सेट करो, और ये सोफा उस तरफ, टीवी को ऐसे रहने दो, और ये कर्टन्स क्या है चेंज करो से। Put some bright colors, okay? क्या हुआ? खड़े क्या हो? जो कह रही हूँ करो। लेकिन मैम साहब, अभी सर और प्रज्ञा मैम साहब के ऑर्डर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। How dare you? मैं जो कह रही हूँ वो काफी नहीं है। अभी और प्रज्ञा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कह रही हूँ वो काम करो, समझे? ये कैसा शोर हो रहा है? और तुम अभी के कमरे में क्या कर रही हो? दादी, ये अभी सर के रूम की सेटिंग चेंज करने को कह रही थी। ऑर्डर देने वाली? ये कमरा प्रज्ञा और अभी का है, वो जो बदलाव चाहेंगे वो करेंगे। और तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है? खुद उन्होंने ही मुझे कहा है। आई मीन, अभी बाहर गया हुआ है और प्रज्ञा भी अपने काम में बिजी है, तो मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। बेटा, इस घर के नौकर हैं ना, बड़े वफादार हैं। जब तक मालिक के मुंह से हुक्म नहीं सुनेंगे ये कुछ नहीं करेंगे। अभी को आ जाने तो मैं उनसे पूछूंगी, अगर वो कहेगा तो पूरी सेटिंग चेंज करा ले। वैसे भी किसी के बेडरूम में आना बैड मैनर्स होता है।
बहुत मजा आ रहा है क्या बातें सुनने में? अब तुम यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में और जो सेटिंग चेंज करवानी इनसे जाके करवा लो। अगर प्रज्ञा को उस घर से बाहर नहीं निकालना होता ना, तो चोरी का इल्जाम दासी पे लगाती और सबसे पहले इसे घर से बाहर निकालती। जब देखो मेरे रास्ते में टांग अड़ाती रहती है। अगर अभी आप मुझे घूर चुकी हो तो चलो। बढ़िया, इस कमरे की सेटिंग चेंज करवाने वाली। ये तनु कहाँ है? मुझे उसे बताना है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब वो अपनी तरफ से रेडी है या नहीं। पता नहीं प्रज्ञा ने काम किया या नहीं। आई होप वो लास्ट मोमेंट में कोई गड़बड़ ना कर दे, कहीं मना ना कर दे। प्रज्ञा कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं खुद तुम्हें ढूंढ रही थी। वो मैंने वो ये देखो मैंने अपना काम कर दिया। तुम रेडी हो ना? मैं रेडी हूँ। तुम जैसे इंदुदासी पे ब्लेम करोगी मैं आके तुम पे इल्जाम लगा दूंगी। आगे तुम्हें पता है क्या होगा, राइट? फाइनली सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। थैंक यू। तुम अपनी साइड का काम करो तो सही, फिर देखना। तुम पे ऐसा इल्जाम लगाऊंगी, ऐसा बदनाम करूंगी कि तुम फैमिली को तो क्या, खुद अपने आप को भी शक्ल नहीं दिखा पाओगी। तुम मेरे और अभी के बीच आए, अभी को मुझसे दूर रखा, मुझसे मेरा प्यार छीना, जो तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, ये उसी का बदला। पता नहीं ये सब कैसे होगा। हिंदु दादी को चोर कहूंगी ये सोचकर मेरी हालत खराब हो रही है। सबके सामने उन पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाऊंगी? अब प्रज्ञा जाते जाते प्लीज दरवाजा बंद कर देना। इस परिवार के प्यार ने ही मुझे यहाँ रोक रखा। अब जब तक ये लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे मैं खुद यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे बेबी ने मेरे बेबी को परेशान तो नहीं किया? नहीं। So sweet. Hey, तुमने जो बुक मंगाई थी वो मैं लेकर आया। Thank you. Wow, husband को thank you. So sweet of you. Anyway, इसमें last month की जितनी भी pregnancy की information है सब मिलेंगे। हाँ, इसमें तो knowledge के साथ साथ देखो ये बच्चों के कितने cute photos हैं। ये देखो ये वाला कितना cute है। Cute है but ये वाला ज्यादा cute है। नहीं, इसकी आंखें छोटी, बड़ी आंखों वाले बच्चे ज्यादा क्यूट होते हैं। Excuse me, you mean to say कि मैं क्यूट नहीं? नहीं, मेरा मतलब है बड़ी आंखों वाले बच्चे ज्यादा क्यूट लगते हैं। छोटी आंखों वाले ज्यादा क्यूट होते हैं? नहीं, बड़ी आंखों वाले। मैंने कहा ना, तुम्हारे घर से मैं अभी दूर करता हूँ। अभी पूछवाता हूँ। मॉम, एक बात बताओ, इन बच्चों में से मैं सबसे ज्यादा क्यूट कौन है? बच्चे तो सारे सुंदर होते हैं सिवाय उस बच्चे के जिसे ये पैदा करने वाली है। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा और आप क्या जवाब दे रही हो? आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते एटलीस्ट बुरा भी मत बोलो। तू मुझे अच्छे बुरे की तमीज मत सिखा। तेरा दिमाग तो इसने खराब कर दिया है। अब जो भी मैं कहूंगी वो तुझे बुरा ही लगेगा। क्या बात हो गई, क्यों झगड़ रहे हो भाई? झगड़ नहीं रहे बाप। अब मॉम को जानते हो, एक सिंपल सी बात पूछी थी मैंने कि कौन से बच्चे की फोटो ज्यादा क्यूट लग रही, बट उन्हें बात का पतंगड़ बनाने का शौक। यार तू किससे पूछ रहा है? ओ, तेरी मम्मी को आलू और चीकू के बीच में फर्क नहीं मालूम है, हैं? तो बच्चे के बारे में पूछ रहे? मुझे पूछे तो भाई मैं बता सकता हूँ। ओए तुम्हारे बच्चे तो सोने होने ही है यार। तू इतना सोना है, तेरी वॉटी इतनी सोनी है, बच्चे तो तुम्हारे सुंदर होने ही है ना, हैं? सब कितने खुश है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, फिर भी एक ही घर एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते। कोई एक किसी को रुलाता है तो दूसरा आकर मना लेता है। इस परिवार में मुझे भी इतना प्यार मिला जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब मैं इन्हीं लोगों को दुख देने जा रही हूँ जितना इन लोगों ने सोचा नहीं। तेरी चोरी पकड़ी गई।
कौन सी चोरी? तूने बड़ी होशियारी से चोरी छुपी। रॉबिन के हाथ मुझे चाय भेजी थी। तू क्या समझती है मुझे पता नहीं चलेगा? अरे चाय के पहले घूंट से ही मुझे तेरे हाथों के स्वाद का पता चल गया था। प्रज्ञा बेटा, जब तूने अपने हाथों से चाय बना ही ली थी तो अपने ही हाथों से दीदी को पिला भी देती, फिर ये रॉबिन के हाथ से चाय भिजवाने की क्या जरूरत थी? बेटा चाहे तू मुझसे बात नहीं करती पर तू बराबर मेरी फिक्र जरूर करती। रोज टाइम पे मेरी हर जरूरत की चीज मेरे तक पहुंचा ही देती। ऐसी कोई बात नहीं, किसी के लिए मैंने कोई खास चाय नहीं बनाई थी, सबके लिए बनाई थी, एक कप बच गई इसलिए मैंने भेज दी। इधर देख, झूठ बोल रही है ना? आपको झूठ लगता है तो ठीक है, मेरे पास फालतू बातों के लिए फालतू वक्त नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, प्लान बना तो लिया पर आगे कैसे लेके जाएं इस प्लान को? ताकि तो जैसे पैसों की बात भूल ही गई, जब तक उनके मुंह से पैसों की बात नहीं निकलेगी हमारा प्लान आगे कैसे बढ़ेगा? मैं भी तो यही सोच रही हूँ ना तनु, और मैं खुद भी तो जाकर पैसे नहीं मांग सकती, मैं मांगूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दादी को शक हो जाएगा कि अगर मुझे पैसे चोरी ही करने थे तो मैंने खुद क्यों मांगे, और तो और किसी और से भी नहीं कह सकती क्योंकि अचानक यूं ही किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई, ये सिचुएशन क्रिएट करने में वक्त लगेगा और हमारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं क्या कुछ सोचो कुछ करो। एक काम कर सकते? क्या? किसी की मदद ले सकते? किसकी मदद? इनकी? अभी की? तुम पागल हो गई हो? तुमने सुना नहीं अभी ने क्या कहा कि उसे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली को हर्ट करें हम, वो हमारी हेल्प क्यों करेगा? वो हेल्प के लिए मना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम उन्हें कुछ बताएंगे नहीं, मतलब है हम उनसे मदद ले लेंगे लेकिन अपने प्लान के बारे में उनसे कुछ नहीं। एक मिनट, तुम करने क्या वाली हो? तुम अभी का फोन कर रही हो? नहीं नहीं, मैसेज। पर मैसेज क्यों? क्योंकि आजकल ना हम एक दूसरे के मन की बात पढ़ लेते हैं, फोन करूंगी तो जरूर समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। नहीं दोनों वहां क्या कर रहे होंगे, जाके देखो। नहीं अगर उन्होंने मेरे सामने दादी को कुछ कहा और दादी को हर्ट हुआ तो क्या? उसी वक्त उनकी बोलती और उनका प्लान दोनों बंद करा देना। नहीं ऐसा किया तो फुकी अपसेट हो जाएगी और फिर कभी मुझसे बात नहीं करेगी। फुकी का मैसेज, दादी से बोल दीजिए कि जो पैसे प्रोड्यूसर ने भिजवाए उनको बैंक में रखवा दे। ये मुझे काम करने बोल रही है? रिप्लाई रिप्लाई। मैं क्यों बोलूं क्या होता है? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा उन्हें कुछ बोलने का। तो मैं क्या करूं? वही कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। ऑर्डर दे रही हो? हाँ हाँ दे रही हूँ। ये तो सिर पे बैठ के ऑर्डर देने लगे। ये मैं, ये क्या हो गया स्क्रीन को? ये अरे तुम बात करो, मैं नहीं बात करूँ। हेलो हेलो, अरे फोन उठा फुकी, वरना वहां की तुम्हारी आंखें और मोबाइल की बैटरी दोनों डाउन कर दूंगा, समझी? क्या कहा? हाँ तुम? हेलो। हाँ मैं कह रहा था कि शायद मुझे लगा तुम्हारी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। इतना टाइम लगा दिया फोन उठाने में? भारी था इसलिए। क्या? मेरा फोन मेरी मर्जी, जब चाहे उठाओ। तुम सुबह ब्रेड पर बटर के बदले मिर्ची लगा के खाई थी क्या? नहीं, आपके मुँह पे मिर्ची लगाई। ओह
कैची की तरह जुबान चला रही हो, हर बात को काट रही हो। आपने मुझे ये सब सुनाने के लिए फोन किया? नहीं, मैं तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। इसमें हिम्मत की क्या बात है? मन किया सो बोल दिया। क्या कर रही हो तुम? वो मेरा मतलब है कि गलती आपकी है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को ऑर्डर समझ। तुमने रिक्वेस्ट की थी? हाँ, लेकिन अब कोई रिक्वेस्ट डिजर्व नहीं करती। वैसे तुम भी कोई हेल्प डिजर्व नहीं करती, इसलिए जाकर खुद ही दादी से बोलो। ठीक है, मत बोलिए, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, रख रही हूँ मैं। फोन काट दिया।